बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फैमिली किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के चपली कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने चार अदद आलू ले लिए हैं और उनको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया है, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दिया था, और उसके बाद मलमल के कपड़े से मैंने इसका सारा पानी जो सा है वो निकाल दिया है, निचोड़ लिया उसको। और इस तरह खुश्क होना चाहिए आपके आलू, ठीक है। अब इसमें जो मैंने डालने हैं मसाले, उसमें मैंने प्याज ली है, 2 अदद प्याज ले ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं, हरा धनिया है, टमाटर चाहिए गोल काट लिए मैंने, और स्पाइसेस में हमें चाहिए हैं 1 टीस्पून नमक चाहिए है, 1 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है, और 1 टेबलस्पून जो सा है वो अनारदाना ले लिया है। और इसकी बाइंडिंग के लिए मुझे मैदा चाहिए होगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। सबसे पहले बॉयल में ये डालेंगे प्याज। अब इसमें डालेंगे ये सारे स्पाइसेस, नमक अदरक ये सब चीज़ें डाल ली हैं मैंने। अब सब्ज़ मिर्ची भी मैं डाल दूँगी, हरा धनिया भी डाल देंगे, और इसमें डालेंगे अब ये 2 टेबलस्पून मैदा। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून और मैदा डाला था कि ये अच्छे तरीके से ये इस तरह मेरे बाइंड हो जाए। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्ची आपने डाल लेनी है। आपने इस तरह इसके ऐसे कबाब बना लेने हैं, और इसको ये टमाटर लगा देना है, और टमाटर वाली साइड जो उनसी है वो आपने नीचे रखनी है। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, और ये इस तरह मैंने इसके पैन में इसको डाल देना है। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। टमाटर लगा दिया कबाब बना के, और इसको ये इस तरह और बिल्कुल लाइट मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करने हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की ये बनते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये कैसे लगे। इसी तरह ही हम फ्राई कर लेंगे। ये भी एक और हम इसको डालेंगे। अब इसको हम टर्न करेंगे। तो ये सारे मैं टर्न कर दूंगी। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। देखें माशाल्लाह कितने मज़े के बने हैं। आपने लास्ट में इसको ट्राई करना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। अपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसे लगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।